चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। सबसे पहले बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद डायरेक्टली प्रॉब्लम के ऊपर जंप करेंगे। बेसिक्स में एक ही चीज़ समझने की ज़रूरत है, जब हमें क्वेश्चन मिलता है हमें ये देखने की ज़रूरत है कि वो क्वेश्चन इन दो टाइप्स में से किस टाइप को फॉलो करता है। लेट्स अज्यूम कि वो क्वेश्चन इस टाइप को फॉलो करता है, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन एंड जो जो भी लिखा है उसको तुम्हें बस ब्लाइंडली फॉलो करना है और तुम्हारा आंसर निकल जाएगा, सिंपल एज दैट, राइट। अब क्वेश्चन लेंगे, आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को देखते से ही तुम्हें पता चल जा रहा है कि वो क्वेश्चन dy बाय dx यानी कि इस फॉर्म का है, बट तुम्हें पूरा का पूरा चेक करना है। ऐसे ही लाइक ऐसे दिख रहा है मतलब छोड़ नहीं देना है, राइट, क्योंकि मैंने पहले भी बताया हुआ पेपर सेटर्स हराम ही होता है। वो लाइक कुछ तो भी देते हैं, वो तुम्हें लगता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, निकलता है रिड्यूसेबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन, ऐसा हो सकता है एंड देन तुम जीरो मार्क्स मिलेगा। तो चेक करो सबसे पहले पूरा का पूरा 100%, तभी बिलीव करो, तो भी पूरा का पूरा चेक करता है। अब यहाँ पे देखो, हमें ये तो दिख रहा है कि ये dy by dx है, बट इस फॉर्म का पूरा नहीं है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हमें उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो वो एक रिड्यूसेबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन होगा। तो अभी क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है, तो ये इन दोनों में से ही एक है, यानी कि ये है, तो इसलिए हम उस क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट करेंगे, राइट। रिड्यूसेबल के टॉपिक में हम तब का तब देखेंगे। अब इसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे। एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि जो p और q है वो फंक्शन ऑफ x या कॉन्स्टेंट है, ठीक है, हमेशा ऐसे होता है। सो कैसे करेंगे, हमें dy by dx है, यहाँ पे dy by dx है, बट यहाँ पे x एक्स्ट्रा आ रहा है, इसलिए हम सबसे पहले इस x को हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, x को हर टर्म के साथ डिवाइड करेंगे तो यह x हट जाएगा। सो dy by dx, इसको x के साथ डिवाइड किया तो 1 आया, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस इसको भी x के साथ डिवाइड करेंगे, दैट इज 1 अपॉन x प्लस 1 एंड उसके बाद y एंड इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स अपॉन एक्स। अब ये पूरा का पूरा उसी फॉर्म में आ रहा है, देखो dy by dx प्लस प्लस p। अब p फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, अब ये जो p है हमारा फंक्शन ऑफ x है, उसके बाद y है इज इक्वल टू q, यहाँ पे q है, q भी फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, यहाँ पे q हमारा फंक्शन ऑफ x है। अब ये पूरा का पूरा इस फॉर्म में है, राइट। अब आगे आप पूरा का पूरा इस फॉर्म में, अब जो आगे लिखा है बस फॉलो करने की ज़रूरत है और आंसर निकालने की ज़रूरत है, इजी पीजी, राइट। अब क्या सोल्यूशन ये है, बट सोल्यूशन निकालने के लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना ज़रूरी है, इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, बट उसके पहले हमें थोड़ा सा पेपर वर्क करना पड़ेगा, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। सो पेपर वर्क में हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई, इसको उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई बोलते हैं, उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स बोलते हैं। सो एल डी ई लिखता हूँ मैं, एल डी मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई, एंड जो हमारा पी और क्यू आया है वो हम यहाँ पे सेपरेटली लिख देंगे। पी इज इक्वल टू, ये हमारा पी है, राइट, सो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एंड ये हमारा क्यू है, इसलिए ई रेज टू एक्स अपॉन एक्स, पी क्यू लिख दिया। अब सॉल्यूशन को फॉलो करेंगे, बट सॉल्यूशन निकालने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें निकालना पड़ेगा। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला यूज़ करके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, राइट। सो ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी क्या है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स, और इसको सॉल्व किया जाएगा, दैट इज ई रेज टू, अभी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या आता है, लॉग एक्स, और प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x क्या आता है, x, राइट। सो बेसिकली इट इज e रेज टू log x इंटू e रेज टू x। सो अभी e रेज टू log x, e रेज टू log कट होता है, हमेशा ही आपको पता होना ज़रूरी है, तो इसलिए x इंटू e रेज टू x। सो बेसिकली ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का फॉर्मूला लिखा है मैंने यहाँ पे। सॉल्यूशन क्या है, y into integrating factor is equal to, so solution is y into if, यानी कि integrating factor is equal to integration of q into integrating factor dx plus c,
ठीक है। सो अभी y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज x इंटू e रेस टू x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, q इज e रेस टू x अपॉन x एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज x इंटू e रेस टू x एंड उसके बाद दी x एंड प्लस c, राइट right? ये x कट हो जाएगा, देन उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू x इंटू e रेस टू x, e रेस टू x इंटू e रेस टू x इज इक्वल टू e रेस टू 2x, राइट? देयर इज अ फॉर्मूला फॉर दैट एंड इज इक्वल टू ई रेस टू 2x यहाँ पर लिख दिया जाएगा एंड उसके बाद डी एक्स प्लस सी, राइट? अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे एंड अगर सपोज इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, वेट लेट मी थिंक वेट, हाँ देखो यहाँ पे ये आता है, अगर ई रेस टू एक्स को हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे तो ई रेस टू एक्स आएगा, अगर हम ई रेस टू 2x को विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे तो ई रेस टू 2x अपॉन 2 आएगा, मतलब जो x के साथ कोएफिशिएंट होता है वो नीचे आता है, अगर हम ई रेस टू 3x को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे तो ई रेस टू 3x अपॉन 3 आएगा, जो x के साथ होता है कोएफिशिएंट वो नीचे आता है, ठीक है? सेम चीज यहाँ पे होगी, तो यहाँ पे आएगा ई रेस टू 2x अपॉन 2 प्लस सी और यहाँ पे y इंटू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू, एंड ये आपका फाइनल आंसर है। गाइज दो जरूरी चीज़ है, सबसे पहली चीज़ क्योंकि हमारा स्टार्टिंग इनिशियल वीडियोस है इसलिए इस सम का डिफिकल्टी लेवल इजी है, बट आने वाले वीडियोस में मैं डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने भी वाला हूँ और वैसे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाला हूँ, राइट? एंड दूसरी चीज़ क्योंकि हमारे इनिशियल वीडियोस है तो इनिशियल वीडियोस में मैं इसके ऊपर सम सॉल्व करूंगा कुछ, उसके बाद हम इस टाइप के ऊपर जंप करेंगे एंड देन उसके बाद रिड्यूसेबल टू लीनियर वाले सम सॉल्व करेंगे, राइट? आई होप आपको समझ आएगा। व्हाट्सअप प्लांटो जो सामी, ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो इसके मैंने मॉडल वाइज और सब्जेक्ट वाइज नोट्स भी बनाए हैं, नोट्स में मिलेंगे आपको एग्जाम में आने वाले मल्टीपल सॉल्व एग्जांपल्स एकदम स्टेप बाय स्टेप, जिससे क्या होगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी और एग्जाम में आप बहुत ही ज़्यादा इजीली पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर पाओगे और अल्टीमेटली अपने पॉइंटर्स बढ़ा पाओगे, इसीलिए अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और नोट्स परचेज कीजिए। और ये जो सब्जेक्ट है इसको मैंने मॉडल वाइज और सब्जेक्ट वाइज इन दो प्लेलिस्ट के अंदर पढ़ाया हुआ है और इसलिए आप यहाँ पे जाके पूरा का पूरा सब्जेक्ट मॉडल वाइज या सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे देख सकते हो और इस वीडियो को लाइक करके आप मेरी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि अगर आप मेरी हेल्प करोगे तो मैं आपको और ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर पाऊंगा और इससे हम दोनों साथ में मिलके अपने अपने गोल्स को जल्दी से अचीव कर सकते हैं, राइट? इसलिए अभी का अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।